Hey friends, welcome back to my channel. और अभी साउथ कोरिया में ऑटम सीजन चल रहा है, तो ये सारे जो पत्ते हैं नीचे गिरे हुए हैं और अभी पीछे बहुत सारे गिर भी रहे हैं. और आज की जो वीडियो है वो है स्पेशली मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के सेकंड कैंपस, जो कि फेमस है म्यूज़िक और डांस के लिए. और उसके अलावा इमोन की क्योंकि क्लास भी है उधर, तो इसलिए मैं इमोन के साथ ही आई हूँ. तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को कैंपस का टूर करवा दें. उसके अलावा ये जगह बहुत ही फेमस है सोल आर्ट सेंटर के नाम से, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने की. ओ थक गई. और इसके अलावा ये पीछे एक कॉफ़ी शॉप भी आप देख सकते हैं, आसपास बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स हैं ताकि स्टूडेंट्स आए इधर पढ़ाई वढ़ाई करें और उसके अलावा कॉफ़ी पिए फ्रेश हो जाएं. इमोन आओ. तो इमोन की आज क्लास है तो इसलिए मैं भी आ गई हूँ उसके साथ. और उसके अलावा हम लोग ना एक एग्जीबिशन भी हो रहा है इधर आर्ट्स के हवाले से, तो चले रोड क्रॉस करते हैं. तो आर्ट्स के हवाले से एक एग्जीबिशन भी हो रहा है, तो वो एग्जीबिशन भी घूमेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे. वो एग्जीबिशन फ्रांस का है, पेरिस का. चले अभी आप लोग को हम दिखाते हैं कैंपस. चले अभी रोड क्रॉस करते हैं. और ये मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आ रही हूँ क्योंकि ये जो कैंपस है इट्स वेरी फार फ्रॉम द अदर कैंपस ऑफ माय यूनिवर्सिटी. सो या इट्स माय फर्स्ट टाइम बीइंग हियर. सो लेट्स एंजॉय विद मी. और ये जो बस है वो डायरेक्ट सबवे से आती है और यहाँ तक लेके आती है, क्योंकि ये स्टेशन थोड़ा सा दूर है सबवे से और ये मेरी यूनिवर्सिटी से एक घंटा दूर है. सो इट्स वेरी फार एंड दिस इज़ सोल आर्ट सेंटर. इसके अंदर शायद हमारी यूनिवर्सिटी का पार्ट होगा. सो कोरियन में इसको कहते हैं. सो हंगो कोरो हाम्योन येसुरे छोंदांग हागो योंगो रो हाम्योन सोल आर्ट सेंटर. सो ये है इसकी एंट्री. चले टेरा रोसा कॉफ़ी शॉप भी है इधर, जो कि लास्ट टाइम गांगविंग में सुना था फेमस है बहुत. ये क्या है, इधर से आवाज़ आ रही है, ये क्या है? ओ ये क्या हवा खींच रहा था इमोन? हवा खींचते ही है, जब डस्ट खींच लेते अंदर आने से पहले ये डस्ट खींच लेते जूते के नीचे से. ऐसी चीज़ हमने कभी देखी नहीं कोरिया में ना, क्योंकि ये जगह आप देख सकते हैं कितनी साफ सुथरी जगह है. तो चले अभी बताते हैं अंदर आते ही क्या क्या है. ये मेन गेट है, उस मेन गेट के करीब ही इस साइड पे है कॉफ़ी शॉप. और उसके अलावा यहाँ ये कॉफ़ी शॉप बहुत फेमस है डेकोरेशन के हवाले से और लाइब्रेरी स्टाइल कॉफ़ी शॉप है, तो इसलिए बुक्स वगैरह यहाँ पे बहुत सारी पड़ी हुई है. एज़ यू कैन सी इट लुक्स लाइक लाइब्रेरी. और उसके अलावा ये जो साइड है दूसरा, ये है पिज़्ज़ा एंड पास्ता कॉफ़ी. सो यहाँ पे भी मतलब लोग खा पी सकते हैं क्योंकि ये आर्ट सेंटर है, तो अंदर बहुत खाने पीने के फैसिलिटीज़ है. और उसके अलावा उस साइड दिख रहे हैं कुछ एग्जीबिशंस वगैरह. और ये जस्ट एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं ना. अच्छा है, चलो वो दिखाएं, आर्ट दिखाएं. ऐसा लग रहा है बच्चों ने आर्ट किया है. सो कलर्स, ये ऑटम है कोरिया में इसलिए ना सारे कलर्स वगैरह हैं ट्रीज़ में. और अभी ये और भी कलरफुल होंगे ना, उस साइड भी पूरे कलर्स वगैरह. तो अभी फ्रंट व्यू ऑन करते हैं क्योंकि ये बोरिंग हो रहा है ना सारा बैक साइड व्यू है, फ्रंट व्यू में आते हैं. तो ये है यूनिवर्सिटी और पीछे आप देख सकते हैं पूरा स्टेज वगैरह बना हुआ है.
और आई एम सो एक्साइटेड कि हमारे यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो कैसा होगा, क्योंकि जो मेरा कैंपस है वो तो बहुत ही अच्छा है। मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई थी जो कि बहुत सारे लोगों ने देखी, तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने का और कमेंट्स करने का, लाइक करने का। सो बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा चले आज ये यूनिवर्सिटी भी घूमते हैं। और पीछे मेरे है ओपरा हाउस। सो यहाँ पे मैंने सुना है हमारी यूनिवर्सिटी के, वैसे तो ये साउथ आर्ट सेंटर के अंदर है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट भी करते हैं, मतलब जब उनकी फाइनल ग्रेजुएशन जो एग्ज़ाम होता है वो यहाँ पे होता है, जो सिंगिंग और डांसिंग का। यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ मैंने देखी कि ये जो पेड़ है इनमें ना फ्रूट्स है कुछ, जैसे कि ये ये क्या है, ये कौन सा फ्रूट है, ये देखें, ये कोई फ्रूट है। उसके अलावा ये है कॉफ़ी शॉप यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत दिखने में। सो अगर टाइम मिला तो हम किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे। उसके अलावा पीछे मुझे एक और बिल्डिंग दिखी है जो कि, ये कौन सी बिल्डिंग है, ये भी होगी कोई बिल्डिंग। ये एरिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने फ़ोटोज़ में देखा था यहाँ पे फाउंटेन्स भी होते हैं रात के टाइम, कभी तुमने देखा है? तो इधर ना फाउंटेन्स वगैरह भी होते हैं कभी कभी। और उसके अलावा पीछे ना कैलीग्राफी आर्ट म्यूज़ियम है। और इतना दूर, इतनी दूर, इतनी दूर आ गए, अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी किधर है? वो बिल्डिंग, ओ उधर है। चले सरप्राइज़ है आपके लिए, अभी वेट करें, आप लोग को अभी नहीं दिखाऊंगी यूनिवर्सिटी, अब उधर जाके दिखाते हैं, ठीक है? अच्छा है, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूं। है तो अभी ऑटम, लेकिन फिर भी वेदर चेंज होता रहता है। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, कुछ लोग जा रहे हैं बहुत बड़ी पेडिंग पहन के, तो अभी इतनी भी ठंड नहीं आई, लेकिन कंफ्यूजिंग वेदर है, क्या पहने समझ नहीं आता। तो ये देखें, ये लोग ना पेडिंग पहन के चल रहे हैं, तो मतलब अभी इतनी भी ठंड नहीं आई। सो एनीवेज पेडिंग स्टार्ट करेंगे एक दो हफ्ते बाद। Oh, so here is our KRs. और चलो अभी अंदर जाके देखते हैं। So ये है हमारा KRs University. So let's go inside. ये यूनिवर्सिटी देखे ऐसी है दिखने में, इट्स लाइक अ डॉर्मेट्री, इट्स वेरी डिफरेंट देन। ये है इसका पूरा नेट। और इसके अलावा यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑफिस, और ये पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। चले देखते हैं क्या पोस्टर्स हैं। यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है उनका जो काम होता है, जैसे ये लिखा हुआ है ओपेरा योहेंग ओपरा ट्रेवल, सो परफॉर्मेंस के हवाले से सारे पोस्टर्स बनाते हैं, और जिस चीज़ की परफॉर्मेंस होती है वो लोग इधर पब्लिसिटी करते हैं। तो अभी देखते हैं, ये सारे लिफ्ट के बाहर लिखे हुए हैं कि किस फ्लोर में क्या क्या है। सो B2 जो है उसमें है डांस के प्रैक्टिस रूम, सिंगिंग और म्यूज़िक के प्रैक्टिस रूम, और B1 के अंदर है ये तो सो कुआन लाइब्रेरी कहते हैं, स्टोर है, कन्वीनियंट स्टोर, कफे कॉफ़ी शॉप, और यहाँ पे सारे स्टूडियोज़ वगैरह है। और फर्स्ट फ्लोर में है इंफॉर्मेशन ऑफिस और डांस की प्रैक्टिस रूम, और उसके अलावा सेकंड फ्लोर, ये सारे असल में ना म्यूज़िक और डांस इससे रिलेटेड ही हैं, जहाँ पे क्लासेस होती हैं और ज़्यादातर स्टूडियोज़ है, प्रैक्टिस रूम वगैरह।
तो अभी फर्स्ट फ्लोर में है ये सारे प्रैक्टिस रूम, चले देखते हैं। वाह, अंदर डांस कर रहे थे लेकिन चलो रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये सारे स्टूडेंट्स के बैग्स वगैरह पड़े हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरी सीढ़ियाँ और लिफ्ट हैं और ये ही बस एक बिल्डिंग है। चले इधर देखते हैं क्या क्या है। ओह, इधर कॉफ़ी शॉप। ये यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लॉकर्स वगैरह, और उसके अलावा इधर कन्वीनियंट शॉप भी है। ले जाऊँ और ये है स्टूडेंट कैफेटेरिया और ये हूँ मैं। और इसके अलावा ये है कन्वीनियंट स्टोर, ये हमारी यूनिवर्सिटी के टी शर्ट्स वगैरह हैं, ये है हमारी यूनिवर्सिटी का नाम। और ये नॉर्मल स्टोर की तरह है, हमारी यूनिवर्सिटी के ऐसे बैग्स वगैरह भी मिलते हैं, ऐसे डिफरेंट बहुत मतलब ब्रांडिंग की हुई है। उसके अलावा इस एरिया में शायद लाइब्रेरी भी है, किधर है ये? अभी लाइब्रेरी जाते हैं। और ये है लाइब्रेरी और डेफिनेटली उस कैंपस से थोड़ी छोटी है साइज़ में, लेकिन लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी होती है, अभी कोई भी साइज़ हो, पढ़ना तो बुक्स में ही है ना, साइज़ मैटर नहीं करता। और अभी हम लोग ना नीचे जा रहे हैं B2 में। यहाँ पे कोरिया में बहुत सारे अंडरग्राउंड सिस्टम होते हैं, नीचे जाओ। ट्रेन में भी जब हम जाते हैं तो नीचे जाओ। तो अभी ना B2 में जा रहे हैं और ना इधर देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे ज़्यादातर प्रैक्टिस रूम ही है, खाली पड़ा है। ये भी जगह है कि स्टूडेंट्स बैठ के रेस्ट करें। उसके अलावा बहुत खामोशी है इधर, कोई बजा रहा है। तो ये प्रैक्टिस रूम है सारे छोटे छोटे, यहाँ पे पियानो भी पड़ा है। चलें देखते हैं चलता है कि नहीं, खाली पड़ा है, किसको स्टूडेंट्स आते हैं, शायद प्राइवेसी है, इधर बैठ के प्रैक्टिस करें। आप ये चोको लाते पीते, कॉफ़ी भी पी सकते हैं, काफे टाइम ये पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, ये 1000 कोरियन नोट दिखने में ऐसा है, ये कोरियन बाबा जी है। अभी ना इसको इसमें डाल, तो अभी लाइट्स ऑन हो गई और मुझे चाहिए ये कैफे टाइम। ये दिखने में तो अच्छी है, चले ट्राई करें। यहाँ पे कॉफ़ीज़ वगैरह हैं, वो जो है वो डिफरेंट वैराइटीज़ की होती हैं बहुत, तो हर कॉफ़ी का डिफरेंट टेस्ट होता है क्योंकि कोरिया इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी। अच्छी है, पियेंगे, मुँह खोले। लास्ट फोर्थ फ्लोर, और यहाँ पे भी लग रहा है कि प्रैक्टिस हो रही है कहीं। और चले जब तक हम लोग व्यू इंजॉय करते हैं ये वाला, अच्छा अच्छा सा व्यू, मज़े मज़े का कॉफ़ी के साथ, चीयर्स। और ये है ली खांग सो कॉल, यहाँ पे ये लोग परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं अंदर, नहीं देख सकते, ये हमारी रिफ्लेक्शन है, मुझे लगा अंदर दिख रहा है। और ये कुछ म्यूज़ियम की तरह ये चीज़ें रखी हैं, किसी की याद में रखी होंगी। चाइनीज़ लिखी हुई है इधर, ये चाइनीज़ कैरेक्टर्स।
ये जो यूनिवर्सिटी है, दिस यूनिवर्सिटी इज़ रियली फेमस फॉर म्यूजिक एंड डांस, एंड माय कैंपस इज़ वेरी फेमस फॉर एनिमेशन, पेंटिंग, डिज़ाइन एंड या ट्रेडिशनल डांस. सो यहाँ के जो कोरियन जो फेमस जो डांसर्स निकलते हैं या एक्टर्स निकलते हैं, वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे मुंह में, दिमाग में लेकिन मुँह में नहीं आ रहे. तो जो एक्टर्स और डांसर्स वगैरह हैं फेमस, वो इस यूनिवर्सिटी से जाते हैं टीवी वगैरह में. सो केपॉप में आप जो टीवी में ड्रामास वगैरह देखते हैं, वहाँ से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इधर के ही हैं, क्योंकि आवर यूनिवर्सिटी इज़ वेरी वेरी फेमस. सो इट्स लाइक द टॉप यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू आर्ट्स. सो उम्मीद है आप लोग को आज का टूर अच्छा लगा होगा, और मुझे भी बहुत मज़ा आया ये यूनिवर्सिटी देख के. मतलब हर कोई ना पूरा कंसंट्रेट कर रहा है अपने परफॉर्मेंस पे, अपने म्यूज़िक पे, डांस पे, और हर कोई प्रैक्टिस ही कर रहा है हर वक्त. मतलब ज़्यादा लोग आपको दिखे नहीं दिखे होंगे जो ऐसे वैसे ही चल रहे हैं, हर कोई अपनी क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं. तो हर कोई ना प्रैक्टिकल पढ़ाई कर रहा है अपनी, जैसे डांस वगैरह, म्यूज़िक वगैरह. तो बहुत ही अच्छा है. इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम अगर कोई परफॉर्मेंस वगैरह हुई तो आप लोगों को भी लेकर चलेंगे इस यूनिवर्सिटी में दिखाने. और उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि ये सोल आर्ट सेंटर है, तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे एग्जीबिशंस भी होते हैं, तो क्यों ना हम लोग कोई एग्जीबिशन भी देख के आएँ. तो मैग्नम टिकट लेते हैं, चलो यहाँ से टिकट मिलेगी. मैग्नम टिकट हंगे जैसे 성인 한 분 맞으세요? 네네. 15,000원이요? 네. 영수증 드릴까요? 네. 예, 엑시비션. 또 예해 여덟기 티켓. 아, 이 티켓이 15,000기. 박사님 15,000기. 근데 예해 매그넘 인 파레. तो चलें देखते हैं अंदर क्या है. यहाँ पे अंदर स्टार्ट होगा एग्जीबिशन. लेट्स गो. मैग्नम फोटोज. तो ये है, इधर लिखा हुआ कुछ कोरियन में. और ये है एग्जीबिशन. ये शायद फेमस आर्टिस्ट वगैरह हैं. ब्लैक एंड वाइट फोटोज हैं यहाँ पे. वाह. तो यहाँ पे सारे फोटोग्राफी आर्ट है, पेरिस के फोटोग्राफ्स है सारे, और मजे मजे के फोटोग्राफ्स हैं, ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट है. स्टूडियो पर पंख तो हम जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में उसके हवाले से ये देखें, दो लड़के पेरिस का स्टाइल, पेरिस क्योंकि फैशन में फेमस है. ये ब्लैक एंड वाइट फोटोज है सारे. ये देखें, so beautiful, the pink color and then colorful photos, so beautiful. And I like the background and everything. तो यहाँ पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं. So let's write something. कैसे लिखूं ऐसे. एक्सीबिशन हिल रहे हो.
and her voice. ये है आर्टिस्ट यार ये ऐसा लग रहा है हम पेरिस में आ गए हैं पूरा मतलब पेरिस की तरह डेकोरेट किया है यहाँ पे एक घर की तरह बनाया है पूरा तो ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और एग्जीबिशन भी बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया ऐसा लग रहा था कि पेरिस में ही हूँ कभी गई नहीं हूँ लेकिन फिर भी अच्छा लगा और आप लोगों ने उम्मीद है इंजॉय किया होगा आज का व्लॉग और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय खुदा हाफिज़